आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंड, पहले बताइए लौकी खाना किसको किसको नहीं पसंद है, बच्चे बड़े सबको ही करीब करीब नहीं पसंद होते, लेकिन आज मैं एक ऐसा नाश्ता बनाऊंगी जो बच्चों को भी भाएगा और बड़ों को भी भाएगा। तो चलिए देर ना करें, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने ऐसे पतली सी लौकी ले ली है, आपके पास फ्रेश और पतली लौकी हो तो वो ज़रूर लीजिएगा, उससे नाश्ता अच्छा बनेगा। सबसे पहले हम लौकी को छील लेंगे, हमने लौकी को छील के वॉश कर लिया। अब इसको हम आधे इंच से थोड़ा सा मोटा मोटा हम काट लेंगे रिंग्स में ऐसे। कोई हम ढक्कन ले लेंगे या आपके पास रिंग कटर हो तो रिंग ले लीजिए, उससे इसके बीच में हम इस तरह से हम कट रिंग बना लेंगे इसके। देखिए ऐसे ही सारे, ये देखिए ऐसे हम रिंग तैयार कर लिए सबके। अब इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे हम। आधा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच डाल देंगे गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच डाल देंगे जीरा पाउडर, आधे चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, आधी चम्मच डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे हम ग्रीन चटनी, ये ऑप्शनल है लेकिन ये डालने से क्या बहुत ही चटपटा सा हमारा लौकी थोड़ा पीका पीका होता पर चटपटा सा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी डाल देंगे नींबू, आधी चम्मच डाल देंगे नमक, आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे अदरक लहसुन ग्रेट की हुई, आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हो, थोड़ी सी हरी मिर्ची कटी हुई। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया से, हमने मिक्स कर लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, अब एक बैटर रेडी करेंगे। हमने आधा कप जितना, आधा कप से पौना कप हमने बेसन ले लिया, दो चम्मच हम दो बड़े चम्मच चावल का आटा ले लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई, आधी चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, एक कली लहसुन की और आधा इंच अदरक ग्रेट करके हमने डाल दिया, थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी पाउडर, एक चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी जितना हम डाल देंगे गरम मसाला, एक चम्मच डाल देंगे ग्रीन चटनी, आप चाहो तो इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हो लेकिन कसूरी मेथी का क्या थोड़ा सा मेरे को हल्का सा कड़वाहट आता है तो मुझे पसंद नहीं, आप चाहो तो डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे, फिर इसका एक बैटर रेडी कर लेते हैं। दो बड़े चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे ताकि हमारा नाश्ता क्रिस्पी बने, खस्ता बने। अब इसे हम पैन डाल के बैटर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे हमने ना ज़्यादा पतली करें ना ज़्यादा गाढ़ा, क्यों पतली करेंगे तो लौकी है, लौकी में ज़्यादा इसमें कोटिंग नहीं होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा ही रखी। पतला करने से क्या वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में फ्लो हो जाएगी तो हमें लौकी में ज़्यादा कोटिंग नहीं हो पाएगा, तो इस तरह का आप बैटर रखिएगा। अब इसमें हम रिंग को इसमें डिप करेंगे, फिर इसको ब्रेड क्रम से देखिए, फिर ब्रेड क्रम से इसकी कोटिंग करते हैं। ये देखिए हमने ऐसे रेडी कर लिया। अब तेल हमने गरम चढ़ा दिया था तो हमने चेक कर लिया, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो
तो हमारे ऊपर से रिंग्स जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। ये धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। ये देखिए देखिए, बढ़िया हमारा क्रिस्पी रिंग्स बन के तैयार हो गया। क्योंकि इससे थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगने से, और एक बात है, मेरे इसमें ब्रेड क्रम्स में थोड़ा सा कलर मिला हुआ है, इसीलिए थोड़ा डार्क हो जाता है। अब क्योंकि मुझे इसे यूज़ करना था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये कलर वाला ब्रेड क्रम से कोटिंग किया था, थोड़ा डार्क ज़्यादा और लग रहा है। आप ऐसा ना करें, आप सिंपल ब्रेड क्रम्स लीजिएगा तो उससे अच्छा बढ़िया कलर आएगा। ऐसे ही बाकी के हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए क्रिस्पी रिंग्स बनके तैयार हो गया। अब कोई भी चीज़ बनाए तो उसे सजाना तो चाहिए ना, तो सजाते हैं। चलिए मैंने प्लेट ले लिया, इसके ऊपर आप अपने हिसाब से इसको गार्निश कीजिए। और भी टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे एक सीक्रेट चीज़, ये ऑप्शनल है, लेकिन यकीन मानिए आप इसको डालोगे ना तो बच्चे बड़े भी खाने से, ये खाने के लिए इनकार नहीं कर सकते हो किसी भी सूरत में, प्लेट की प्लेट ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हमने ये बना लिया, देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी रिंग्स लौकी के। तो अब आप लौकी खिलाने के लिए बच्चों के लिए घबराइए नहीं, इस तरह से बनाइए और खाइए, इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं अगले कोई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए फ्रेंड, इतना बढ़िया नाश्ता आप बनाएंगे और आपके साथ घर में प्लेट की प्लेट ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए ये वीडियो बनाना तो बनता है, ये बना है हमारे लौकी से।